गाइस, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाए। ओलंपिक शब्द जब जुबान पर आता है तो वो जहन में यादें ताजा हो जाती हैं। वो स्वर्णिम युग याद आता है जब भारत ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 8 गोल्ड मेडल जीतकर तहलका मचा दिया। ट्रू हीरो ऑफ नेशन एंड अ ट्रू लेजेंड बलबीर सिंह सीनियर नु सारी कायनात दा निगाह सलाम। बलबीर कम बलबीर गो, इंडिया स्टेज फॉरएवर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। कहते हैं कि जब किसी से आपको प्यार होता है तो फिर दुनिया की हर चीज छोटी लगने लग जाती है, और जब मोहब्बत खेल से हो तो देश से प्यार होना लाजमी है। हॉकी से ऐसा ही प्यार, या यूं कहिए कि जुनून, बलबीर सिंह सीनियर को एक साधारण प्लेयर से इस मुकाम तक ले गया कि दुनिया उन्हें सलाम करने लगी। ओलंपिक गोल्ड विजेता, दुनिया के 16 आइकॉनिक प्लेयर्स में शुमार, और खेलों में पहली बार पद्मश्री हासिल करने वाले इस महान खिलाड़ी और कप्तान की कहानी भी फिल्मी है। बलबीर सिंह सीनियर और उनकी मंजिल के बीच कई मुसीबतें आईं, लेकिन अपने हुनर और जज्बे के दम पर उन्होंने हर मुसीबत को मात दे दी और देखते ही देखते करोड़ों लोगों की आंखों का नूर बन गए। पंजाब के हरिपुर खालसा गांव में पैदा हुए बलबीर सिंह के पिता फ्रीडम फाइटर थे। 6 साल की उम्र में बलबीर सिंह के जन्मदिन पर मिली हॉकी स्टिक मानो उन्हें कामयाबी की नई इबारत लिखने के लिए ही दी गई थी। बलबीर सिंह को इसी उम्र में हॉकी से ऐसी दिल लगी हुई कि खाना पीना और सोना हॉकी स्टिक के साथ ही होने लगा। बलबीर सिंह को दुनिया का सबसे बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड आखिर यूं ही नहीं कहा गया। बचपन में वो ऊंट रखकर टेनिस की बॉल से घंटों प्रैक्टिस करते थे। फिर वो वक्त भी आया जब 1948 में आजाद भारत की पहली हॉकी टीम ने लंदन ओलंपिक में अंग्रेजों को धूल चटाकर सोने का तमगा देश की झोली में डाला। इस मुकाबले में भारत की तरफ से शुरुआती 2 गोल बलबीर सिंह ने किए थे, और मैदान में तिरंगा लहराने का वो पल बलबीर सिंह के जहन में आज भी कैद है। इतना ही नहीं, बलबीर सिंह ने बतौर कोच 1975 का वर्ल्ड कप भारत को दिलाया, लेकिन पिता की मौत और पत्नी का ब्रेन हैमरेज जैसे हादसे भी उनकी जिंदगी में आए। एक तरफ टीम की कोचिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ उनके पिता की मौत हो गई, लेकिन हॉकी के इस होनहार के लिए देश पहले था। इधर उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ और उधर वो ट्रेनिंग कैंप में चले गए। लास्ट मैच इंडिया की हॉकी टीम ओलंपिक जीत।